क्या अक्सर सर्दी या एलर्जी के कारण आपकी नाक बंद हो जाती है? क्या आपके नाक में ऐसी कोई वृद्धि है जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है? खैर, ये नेजल पॉलिप के कारण हो सकता है। नेजल पॉलिप एक ऐसी बीमारी है जहां असामान्य घाव या वृद्धि नेजल म्यूकोसा या पैरानेजल साइनस से उत्पन्न होती है। यह अब बहुत आम हो गया है, जो लगभग 4% सामान्य आबादी में होता है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में इन जंतुओं को नासा अर्श या कफ रक्त ग्रंथि माना जाता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। आइए अब जानते हैं नेजल पॉलिप के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नेजल पॉलिप को ट्रिगर करने वाले कारण हो सकते हैं बार बार होने वाले साइनस इन्फेक्शन या एलर्जिक राइनाइटिस, स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से सेंसिटिविटी, कफ दोष, ब्लड वेसल्स की दीवार या मसल टिश्यूज के आसपास जमा हो जाता है, जिसके वजह से सूजन होता है और नासा अर्श या कफ रक्त ग्रंथि हो जाता है। ज्यादातर लक्षणों में बंद नाक, नाक का बहना, सांस लेने में कठिनाई या खर्राटे देखे जा सकते हैं। आमतौर पर बंद नाक की वजह से सेंस ऑफ स्मेल कम हो जाता है और व्यक्ति मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। हमेशा व्यक्ति नाक बंद होने या नाक की बहने की शिकायत करता है। स्लीप एपनिया और खर्राटे भी बहुत आम है। आयुर्वेद का एम है या तो सूजन को घटाना या पॉलिप्स को निकालना या दोषों को सामान्य स्थिति में लाना। इसलिए शोधन और शमन दोनों उपचारों को चुना जाता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के सजेशन के साथ दवाइयों के साथ साथ नस्य या धूम्रपान जैसे शोधन उपचारों का पालन किया जा सकता है। हल्दी, तुलसी या कॉपर सल्फेट जैसे औषधि लाभकारी हो सकती है। थेरेपी के साथ साथ डाइट को भी फॉलो करना चाहिए। हर रोज स्टीम लेना है और स्वच्छता भी बनाए रखना है, तो ऐसे सांस की बीमारियों का समय पर इलाज करना भी बहुत जरूरी है। तो अगली बार अगर आपका नाक बिना किसी वजह से बहुत लंबे समय तक बंद रहे तो अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।